और अभी तक हम लोगों ने पार्टनरशिप में अपने लास्ट लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की स्टार्टिंग की थी। आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंटिन्यू करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ जी, तो आप लोगों ने मेरे साथ लास्ट लेक्चर में सीखा था कि ड्राइंग दो टाइप की होती है, एक आपकी इवन ड्राइंग और एक अनइवन ड्राइंग। इवन ड्राइंग को आप लोग रेगुलर ड्राइंग भी कहते हो, अनइवन ड्राइंग को आप लोग इररेगुलर ड्राइंग भी कहते हो। अब आज अपने इस टॉपिक में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे पहले इवन ड्राइंग से। हम बात करेंगे इवन ड्राइंग की। इवन ड्राइंग पे अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला था एनुअल ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय 12, जिसमें कि मेन कैलकुलेशन एवरेज मंथ की थी और एवरेज मंथ की कैलकुलेशन हमारे अपने लास्ट लेक्चर में सीखी थी आप लोगों के साथ। अब इसी को फॉलो करते हुए मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, क्वेश्चन के एग्जाम्पल हैं, लिख लीजिएगा आप भी साथ के साथ। मिस्टर ए विड्रू रुपीज 5,000 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स। मिस्टर ए हैं, विड्रू करा है उन्होंने 5,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग पूरे 12 महीने। विड्रू कब करते हैं? वो विड्रू करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की शुरुआत में। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 10% पर एनम। क्वेश्चन है कि एक मिस्टर ए हैं जो विड्रू करते हैं 5,000 रुपये हर महीने 12 महीने तक, हर महीने की स्टार्टिंग में। अब ये ड्राइंग आपकी इवन ड्राइंग कहलाती है। ये ड्राइंग इवन ड्राइंग क्यों कहलाती है? क्योंकि दोनों चीजें यहां पर सेट है। एक तो टाइम सेट है कि जिस डेट पर आप लोग ड्राइंग कर रहे हो, दूसरा अमाउंट सेट है कि कितना अमाउंट आप लोग विड्रू कर रहे हो। ये दोनों चीजें आपके पास सेट है, फिक्स्ड है कि भाई मिस्टर ए हैं विड्रू करते हैं 5,000 हर महीने अगले 12 महीने तक, हर महीने की शुरुआत में। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको गिवन है 10% पर एनम। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला एनुअल ड्राइंग। हाउ यू विल कैलकुलेट एनुअल ड्राइंग? 5,000 इज योर ड्राइंग पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, तो 60,000 आपकी एनुअल ड्राइंग हो गई। मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है? 10%। और ये आएगा एवरेज मंथ। अब ये एवरेज मंथ कैसे आता है? ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग टिल ईयर एंड, ड्रॉइंग ड्यूरेशन ऑफ लास्ट ड्रॉइंग टिल ईयर एंड। अब आप कब करते हो ड्रॉइंग? हर महीने की शुरुआत में। तो पहली ड्रॉइंग कब होगी? और आप एज्यूम करना कि आपका ईयर है अप्रैल टू मार्च, तो पहली ड्रॉइंग कब होगी? फर्स्ट अप्रैल को। अब फर्स्ट अप्रैल को जो ड्रॉइंग होगी वो कितने महीने काम करेगी? पूरे 12 महीने। प्लस लास्ट ड्रॉइंग कब होगी साल की? साल की लास्ट ड्रॉइंग होगी फर्स्ट मार्च को, मार्च एंड पे। वो कितने महीने काम करेगी? वो आपकी काम करेगी एक महीना डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 6.5 रुपीज। अब आप इसको सॉल्व करें तो 5,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 6.5, तो यह आता है 3,250। यह आता है आपके पास 3,250। ड्रॉइंग
5,000 पर मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, और विड्रॉइंग है आपकी एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बीच में ड्रॉइंग कर रहे हो आप। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला, एनुअल ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला एनुअल ड्रॉइंग, एनुअल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू एवरेज मंथ बाय 12। तो बाकी तो सब ठीक है, 5,000 पर मंथ की ड्रॉइंग है, एनुअल बनाने के लिए उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ठीक है, 10% गिवन है। ये एवरेज मंथ कैसे निकलेगा, अब आप चेक करो आपके साल की पहली ड्रॉइंग किस डेट पर हुई होगी, 15th ऑफ एंड है ना, सॉरी मिडल ही है, ठीक है, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। तो पहली ड्रॉइंग कब हुई होगी साल की, 15th ऑफ अप्रैल। अब 15th ऑफ अप्रैल टिल 31st मार्च कितना पीरियड हो गया, 11.5 महीने। जो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल है वो 15 दिन हटा दिए हमने बस। लास्ट ड्रॉइंग कब हुई होगी, लास्ट मंथ मार्च के बीच में, यानी 15th ऑफ मार्च। ये टेंशन नहीं लेना कि सर मार्च में तो 31 डे है, अब उसको आधा कैसे करें, उतनी टेंशन नहीं लेनी आपको। तो 31 मार्च वाले में आ गया 0.5 डिवाइड बाय 2, आ जाएगा 6। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा ₹3,000। एग्जाम्पल नंबर 3 सेम रखते हैं, ड्रॉइंग 5,000 पर मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, ये पर एनम है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में आएगा सबसे पहले एनुअल ड्रॉइंग 5,000 × 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपके पास 10%, एवरेज मंथ कैसे निकालोगे, आप निकालते हो हर महीने के एंड में। तो पहली ड्रॉइंग आपने कब करी, पहली ड्रॉइंग फर्स्ट मंथ के एंड पे, यानी 30th अप्रैल। तो 30th अप्रैल वाली चलेगी 11 महीने, लास्ट चलेगी 31st मार्च को ही, लास्ट ड्रॉइंग वो चलेगी 0 मंथ डिवाइड बाय 2, 5.5। आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा 2750। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं क्वार्टरली ड्रॉइंग की बात। पहले हम ईयर लिख लेते हैं, जरा आपको याद नहीं होगा बचपन में पढ़ा था, भूल गए होंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मुझे बताओ एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो एक साल में 4 क्वार्टर हैं और 1 क्वार्टर में 3 महीने हैं, ये आप लोग अब समझ गए हो। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं बिगिनिंग, मिडल या एंड की बात करूं, अगर मैं कहता हूं मैंने बिगिनिंग में ड्राइंग की है, तो मैंने किस हर क्वार्टर की बिगिनिंग होगी। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा, मिस्टर ए विड्रू ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर की शुरुआत में वो ड्रॉइंग करता है, तो मुझे बताओ उसने पहली ड्रॉइंग किस डेट को करी होगी, सेकंड ड्रॉइंग, थर्ड, फर्स्ट जनवरी। अगर हम मिडल की बात करते हैं तो 15th अप्रैल, 15th ऑफ अगस्त, 15th ऑफ नवंबर, 15th ऑफ फेब। अगर हम लोग एंड की बात करते हैं तो आ जाएगा 30th जून, 30th सितंबर, 31st दिसंबर, 31st मार्च। ठीक है जी, कुछ ये कहानी आपके पास निकल कर आएगी। अब इन्हीं के ऊपर मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। 3 एग्जांपल अभी मैंने करे, अब मैं आता हूं एग्जांपल नंबर 4 पे। एग्जांपल नंबर 4, मिस्टर ए विड्रू
रुपीज 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हम कॉन्स्टेंट रखते हैं 10%, फॉर्मूला सेम रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, एनुअल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज वन डिवाइड बाय 12। एनुअल ड्रॉइंग कितनी आएगी? कितनी सर? 60,000 आप कह रहे हो, गलत कह रहे हो सर। एनुअल ड्रॉइंग आएगी 5000 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि इन अ ईयर आप कितनी बार ड्रॉइंग कर रहे हो? आप सिर्फ 4 टाइम्स, तो आप उसे मल्टीप्लाई भी कितनी बार करोगे? सिर्फ 4 टाइम्स। तो 5000 इंटू 4 एनुअल ड्रॉइंग होगी 5000 इंटू 4, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। अगर मैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकालता हूं, अगर मैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकालता हूं और एंड तक निकाल रहा हूं, तो पहली ड्रॉइंग, अगर मैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा हूं, तो पहली ड्रॉइंग जो मैंने 1 अप्रैल को निकाली है, वो कितने मंथ का ड्यूरेशन है उसका? पूरे 12 महीने का, पूरे 12 महीने का, टिल 31 मार्च, पूरे 12 महीने का। कई बार ऐसे स्टूडेंट आप लोग गलती करते हो, आपको लगता है 1 अप्रैल से 30 जून तक चलेगा। नहीं सर, ड्यूरेशन तो लास्ट तक ही देखी जाएगी ना, क्योंकि वो ड्राइंग पूरे साल कर ही रहा है। अब इसके अलावा लास्ट ड्राइंग का, लास्ट ड्राइंग की ड्यूरेशन कितने महीने की होगी? लास्ट ड्राइंग कब हुई? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को भी तो कितने मंथ बचे? 3 महीने। तो 12 + 3/2 7.5। चेक करते हैं, 20,000 का 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 7.5 1250। एक एग्जांपल और देखूंगा मैं, रुपीस 5000 विड्रू एट द बिगिनिंग ऑफ, बिगिनिंग नहीं करते इस बार, इसको करते हैं मिडल, एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। एक बार फिर समझते हैं, अगर इसमें डाउट था तो यहां सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 5000 विड्रू करते हैं वो एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडल में। अब अगर वो हर क्वार्टर के मिडल में विड्रू करते हैं, तो हम आगे इस वाले केस में, विड्रू कितनी बार हुआ? 4 बार। तो एनुअल ड्रॉइंग कैसे आ जाएगी? 5000 × 4, ये तो बन गई आपकी एनुअल ड्रॉइंग। साल में कितनी ड्रॉइंग की होगी? 20,000, एक बारी में 5000, 4 बारी में 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है आपका 10%, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, वो भी आपने लिख दिया। एवरेज मंथ की कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एवरेज मंथ की कैलकुलेशन कैसे होता है? एवरेज मंथ में आप दो फिगर प्लस करते हो, एक पहली ड्रॉइंग और एक आखिरी ड्रॉइंग। अब यहां पर मुझे बताओ, मिडल में पहली ड्रॉइंग आपने कब की? 15 मई। तो 15 मई से 31 मार्च कितना पीरियड कवर हो रहा है? 15 मई से 31 मार्च कितना पीरियड कवर हो रहा है? 10.5, 10.5 महीने। और इसी तरीके से लास्ट ड्रॉइंग कब की आपने? 15 फरवरी। अब 15 फरवरी से 31 मार्च कितने महीने कवर हो रहे हैं? 1.5 डिवाइड बाय 2, 6 हो जाएगा, आंसर आएगा 1000। एक एग्जांपल और देखते हैं इसी का, एग्जांपल नंबर 6। रुपीज 5000 विड्रू एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, हर क्वार्टर के एंड पे होता है, तो साल में कितनी बार? वही 4 बार। 5000 × 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। एवरेज मंथ कैसे निकालोगे? अब पहला क्वार्टर कहां खत्म होगा? अप्रैल, मई, जून, जून को 30th जून, तो 3 महीने बीत चुके हैं, कितने महीने बचे? 9। प्लस लास्ट क्वार्टर कब खत्म होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च एंड पे,
31 मार्च पे खत्म हुआ तो कितने मंथ्स बचे हैं? जीरो डिवाइड बाय 4.5 750। अभी तक दो केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, एक जहां पर आप ड्राइंग करते हो मंथली, एक जहां पर आप ड्राइंग करते हो क्वार्टरली। जो मंथली वाला केस था ना, वहां पे आप ड्राइंग कर रहे थे पूरे 12 महीने। अब एक केस आता है जहां पर आप पूरे 12 महीने ड्राइंग नहीं करोगे, आप सिर्फ 6 महीने ड्राइंग करोगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आपकी ड्राइंग सिर्फ 6 महीने होगी, 6 महीने के बाद आप ड्राइंग नहीं करोगे। लेकिन ऐसा भी नहीं लिखा कि 6 महीने के बाद आपने जो ड्राइंग करी है वो आपने एडजस्ट करवा दिया या आपने वापस कर दिया। बस ये है कि आप 6 महीने तक ड्राइंग, 6 महीने तक ही ड्राइंग करोगे। एक एग्जांपल देखता हूं आपके साथ। मिस्टर ए विड्रू ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। एग्जाम्पल नंबर 7 है ये हमारा आज की क्लास का। एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो मिस्टर ए हैं जो कि विड्रू करते हैं 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6 महीने तक, सिर्फ 6 महीने तक, यानी अप्रैल में उन्होंने विड्रू किया होगा 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, फिर 1 जून को, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अगस्त को, फिर 1 सितंबर को। बस एनुअल ड्रॉइंग बताओ कितनी होगी? 30,000। यस, 5,000 इंटू 6 मंथ, 30,000 आपकी एनुअल ड्रॉइंग होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 10%। एवरेज मंथ जब कैलकुलेट करोगे तो अप्रैल, 1 अप्रैल को आपने जो विड्रॉइंग की टिल द ईयर एंड 31 मार्च तक, कितने महीने बचे हुए हैं? 12। जो लास्ट ड्रॉइंग आपने की वो 1 सितंबर को की, तो कितने महीने बीत चुके थे? 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने महीने बचे हुए थे? 7। 12, 7, 19 डिवाइड बाय 2, तो यह आएगा 9.5। आपका आंसर आ गया। मैं एक और एग्जांपल आपके साथ लेता हूं, एग्जांपल नंबर 8। इस एग्जांपल में देखिए, मिस्टर ए विड्रू ₹5,000 एट द, मिडल कर लेते हैं पहले, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ फोर 6 मंथ्स, 6 महीने तक, सिर्फ 6 महीने तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रखते हैं अभी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो रहेगा वो है 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेम रखते हैं। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एनुअल ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे? 5,000 विड्रू किया आपने 6 महीने तक, 10/100 एवरेज मंथ देगी। अब आप क्या करा आपने? एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, तो पहले ड्रॉइंग 15 अप्रैल को, कितने महीने बचे? 11.5, प्लस आखिरी ड्रॉइंग 15 सितंबर को, तो कितने महीने बचे आपके पास? 6.5, कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 5.5 बीत गए, तो 7.5 बचे डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 9। अब इसका निकालते हैं कितना आंसर आ रहा है। 3,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 9, 2250। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 में भी सेम कंटेंट रखते हैं। मिस्टर ए विड्रू ₹5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। एनुअल ड्रॉइंग क्लियर है 5000 × 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। एवरेज मंथ कैसे निकालोगे? हर महीने के एंड पे, तो पहली ड्रॉइंग कब हुई आपकी? पहले महीने के एंड पे, तो अप्रैल के एंड पे अगर हुई तो 11 महीने, और सितंबर के एंड पे हुई तो 6 महीने। ग्यारह प्लस 6 डिवाइड बाय 2, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। अप्रैल में ड्रॉइंग हुई तो 11 महीने आपके कवर होंगे, फिर अप्रैल बीत गया, लास्ट ड्रॉइंग देखनी है आपको, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, आपकी ड्रॉइंग हुई है सितंबर एंड में, तो सितंबर एंड का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 महीने बीत चुके हैं, 6 महीने बचे हैं, तो 11, 6, 17 डिवाइड बाय 2, यह आता है 8.5। 3000 डिवाइड बाय 12 इंटू 8.5, ये आ गया आपके पास 2125। क्लियर है यहां तक? तो ये तो थी हमारी एवरेज ड्रॉइंग के नो एग्जांपल, नो बेसिक एग्जांपल। इन नो बेसिक एग्जांपल में हम लोगों ने सीखा है क्या क्या? हम लोगों ने सीखा है अगर आप लोग ड्रॉइंग करते हो मंथली 12 महीने तक, ड्रॉइंग करते हो मंथली 6 महीने तक, या फिर आप ड्रॉइंग करते हो क्वार्टरली, ठीक है। अब इसमें ना कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं, वो भी आप देख लीजिए, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कॉन्सेप्ट्स को एग्जांपल के थ्रू। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके पास लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 10, मिस्टर ए विड्रू रुपीज 1 लाख फॉर प्राइवेट यूज, इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन ड्रॉइंग। ये देखिए, आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये बताया है कि पूरे साल में ड्रॉइंग कितनी हुई है, आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये बताया है कि पूरे साल में ड्रॉइंग कितनी हुई है, यानी एनुअल ड्रॉइंग आपको एक साथ गिवन है, पर मंथ का या पर क्वार्टर का कोई सीन नहीं है, एनुअल ड्रॉइंग आपको पूरे साल की एक साथ गिवन है। एनुअल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज मंथ बाय 12, तो एनुअल ड्रॉइंग आपको गिवन है 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको गिवन है 6%, एवरेज मंथ नहीं दिया, तो यहां पर हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, अगर पूरे साल की ड्रॉइंग एक साथ गिवन है तो आप एज्यूम करते हो एट द मिडल निकाल रहे, तो एट द मिडल का मतलब है इसको कहते हैं एवरेज, या आपने एवरेज मेथड एज्यूम कर लिया। ये कब एज्यूम करना है? जब पूरे साल की ड्रॉइंग आपको एक साथ गिवन हो, अगर पूरे साल की ड्रॉइंग आपको एक साथ गिवन है तो आप एज्यूम करते हो कि जिस भी पार्टनर ने ड्रॉइंग करी है उसने हर महीने के बीच में ड्रॉइंग करी है, या हर क्वार्टर के बीच में ड्रॉइंग करी है, मिडल में करी है, तो 1 लाख का 6%, 6000 उसका आधा ही हो जाता है 3000। अच्छा, इसी में ही एक चीज का ध्यान रखना, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट पर एनम, ये जो पर एनम है ना, ये गिवन नहीं है सर, ऐसा भी हो सकता है कि गिवन ना हो, बिल्कुल हो सकता है, अगर ये पर एनम गिवन नहीं है तो टाइम फैक्टर को इग्नोर करना है, फिर आप सीधा करेंगे 1 लाख का 6/100, 6/12, ये वाला जो पार्ट है ये इग्नोर करना है फिर, क्यों? क्योंकि पर एनम इज नॉट गिवन, क्योंकि पर एनम गिवन नहीं है, तो यह आ जाएगा ₹6000, यह आ जाएगा आपके पास ₹6000। तो कुछ इस तरीके से होता है। तो एक तो आपको इवन वाला मैंने बताया, उसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर पूरे साल की ड्राइंग दी हो तो आप एवरेज लगाएंगे, लेकिन ये एवरेज लगा क्योंकि पर एनम गिवन है, अगर पर एनम गिवन ही नहीं होता तो आप एवरेज ही नहीं लगाते, ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक एग्जांपल और देखिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा एग्जांपल है, उसको और समझते हैं, आपको और अच्छे से कंसेप्ट समझ आएगा। एग्जांपल नंबर 11 कर लीजिए, मिस्टर ए
withdrew rupees 5000 at the beginning of every 2 months. रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 6% पर एनम, मान लो 5000 विड्रू कर रहा है पार्टनर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 2 मंथ्स, हर 2 महीने की शुरुआत में 5000 विड्रू होता है, हर 2 महीने की शुरुआत में। तो अगर हर 2 महीने की शुरुआत में होता है तो साल में कितनी बार ड्रॉइंग होगी? 6 बार। रेट 6% पर एनम हर 2 महीने की शुरुआत में, तो पहले ड्रॉइंग कब हुई? अप्रैल मई की शुरुआत में, 1 अप्रैल को, कितने मंथ? 12 महीने। आखिरी ड्रॉइंग कब होगी? आखिरी के 2 महीने देख लो, आखिरी के 2 महीने कौन से होंगे? फरवरी और मार्च, उसकी स्टार्टिंग, तो 1 फरवरी कितने महीने? 2 महीने, डिवाइड बाय 2, 12 और 2 14, डिवाइड बाय 2 7। तो ये हो गया आपका 5000 × 6 30000 × 100 7/12 6, ये 2 2, तो 150 × 7, तो ये आ गया आपके पास 1050। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे था। हमने लगभग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, फिर भी आपको अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या किसी पार्ट में कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन उसका दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अपने जो अगला लेक्चर होगा पार्टनरशिप के ऊपर वीडियो लेक्चर जो हमारा होगा, उसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का प्रोडक्ट मेथड, हम लोग इसका प्रोडक्ट मेथड भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।